शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाले महलों की। क्या आप ये जानती थी कि काम्या प्रिंस की मंगेतर है? जी। फिर भी आपने प्रिंस को अपने जाल में फंसाया और उसे शादी कर ली। आप ये पॉइंट टू बी नोटेड, योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड। ये जानती थी कि काम्या प्रिंस की मंगेतर है, फिर भी इन्होंने उससे शादी कर ली। आप मुझे ये बताइए कि जब प्रिंस ने अभय के साथ बिजनेस डील साइन की, तब उसने आपको ये बताया था कि काम्या के साथ उसकी फिर से मुलाकात होने वाली? मैडम जवाब दीजिए, हाँ या ना? नहीं। तो आप एक बात बताइए, आपको काम्या के बारे में कब पता चला? एक दिन जब हम प्रिंस के ऑफिस गए थे तो वहां पे हमें काम्या दिखाई दी। उसी वक्त हमें पता चला कि वो भी इसी डील पर काम कर रही है। पॉइंट टू बी नोटेड, योर ऑनर। प्रिंस ने जानबूझकर इनको काम्या के बारे में नहीं बताया। क्यों? क्योंकि प्रिंस के मन में चोर था। ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें हम पे भरोसा था कि हम बस दैट्स ऑल। योर ऑनर, अब मैं मिसेस काम्या पराशर को बुलाना चाहूंगा। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। मिसेस पराशर, मैं जानता हूं कि ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन प्लीज़ एक बार आप अदालत को बताएंगी कि उस दिन क्या हुआ, कैसे प्रिंस को आप अपने घर पर देखकर चौंक गई, प्लीज़। मुझे प्रिंस से ये उम्मीद नहीं थी। उस दिन प्रिंस ने मेरे साथ जो किया, उसके गहरे निशान मेरी आत्मा से कभी नहीं मिटेंगे। मैं घर पर अकेली थी, अभय साइट पर जा चुके थे, और तब दरवाजे पर घंटी बजी। मैं दरवाजा खोलने चली गई और मैंने देखा कि मैं प्रिंस को बिठाकर मैं फाइल लेने बेडरूम में चली गई। मैं फाइल ढूंढ ही रही थी कि अचानक मुझे बेडरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। उसकी उसकी नजर से साफ झलक रहा था कि उसकी नीयत अच्छी नहीं है। प्रिंस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? देखो अभय इस वक्त घर पर नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो क्या हुआ? मैं तो हूं ना। प्रिंस, प्लीज प्लीज, ये तुम क्या कर रहे हो? कम ऑन काम्या, मुझे मेरा हक दे दो जो तुम उस स्टूपिड अभय को दे रही हो। मैं तो तुम्हें पहले भी छू चुका हूं ना, फिर ये हिचकिचाहट क्यों? प्रिंस प्लीज, दूर हो जाओ मुझसे, प्लीज प्लीज यहां से चले जाओ, प्लीज प्लीज गो फ्रॉम हियर। तुम उस स्टूपिड अभय के बारे में सोचना बंद करो। यहाँ पे सिर्फ हम दोनों हैं, जस्ट यू एंड मी। प्रिंस प्लीज। और फिर प्रिंस ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। प्रिंस, प्रिंस ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। प्लीज लीव मी काम्या, लीव मी प्रिंस।
Your witness, please. No question, Your Honor. Thank you. Your Honor, अब मैं मिस्टर अभय पराशर के वॉचमैन मिस्टर राधेश्याम पांडे जी से बात करना चाहूंगा. उन्हें कुछ सवाल पूछना चाहूंगा. परमिशन ग्रांटेड. हाँ तो पांडे जी, उस दिन आपने अभय जी के घर से किसी को, यानी कि प्रिंस को, वहां से भागते हुए देखा था? जी हाँ साहब, मैं मैडम को कुछ जरूरी लेटर देने जा रहा था, तब मैंने इनको देखा था. ये जा नहीं रहे थे साहब, भाग रहे थे भाग. वो जैसन होता है ना, चोर चोरी करके भागता है, ठीक वैसन. ऑर्डर ऑर्डर. और साहब इनकी हालत भी कुछ अस्त व्यस्त लग रही थी. शर्ट के बटन टूटे थे, शर्ट फटी थी. योर ऑनर, मेरे इस गवाह की बातों पर थोड़ा गौर कीजिए. इस कदर अस्त व्यस्त होकर किसी के घर से भाग जाना, छुप छुप कर वहां से निकल जाना, सिर्फ एक ही बात साबित करती है, और वो ये है कि प्रिंस के मन में खोट थी. वो वहां कामयाजी की इज्जत लूटने के इरादे से गया था. लेकिन कामयाजी ने डटकर विरोध किया और अपने आप को बचाने के चक्कर में प्रिंस वहां से भाग गया. एंड नाउ योर ऑनर, मैं कामया जी के पति मिस्टर अभय पराशर जी को बुलाना चाहता हूं. परमिशन ग्रांटेड. पराशर, आप प्रिंस को कब से जानते थे? ये कोई 2-3 हफ्तों से. यानी आपकी कंपनी और उनकी कंपनी में जो डील होने जा रही थी, तब से? जी. क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि आपकी पत्नी की तरफ इनका एटीट्यूड क्या था? प्रिंस शुरू से ही अनकंफर्टेबल. और जब काम्या ने अपने और प्रिंस के पुरानी जान पहचान के बारे में मुझे बताया, तब जाकर प्रिंस का एटीट्यूड मेरे समझ में आया, और अब कुछ ज्यादा ही समझ में आया. जज साहब, पहले दिन से इस प्रिंस की नीयत काम्या के लिए खराब थी, और मौके का फायदा उठा के इसने काम्या के साथ ऐसे आदमी को फांसी पे लटका देना चाहिए. हैंगिंग टू डेथ. मिस्टर पाराशर, कंट्रोल योर इमोशंस. योर विटनेस प्लीज. थैंक यू मिस्टर डबराल. आपको आपकी पत्नी ने प्रिंस और उनकी पुरानी जान पहचान के बारे में बताया था? कब बताया था? डील से पहले या डील के बाद? उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है. आप मेरी बात का जवाब दीजिए. डील हो जाने के बाद. ओह, डील हो जाने के बाद. यानी कि डील हो जाने से पहले उन्होंने आपको ये नहीं बताया था कि उनकी पुरानी जान पहचान, सिर्फ पुरानी जान पहचान नहीं है, वो आपस में एक दूसरे के मंगेतर, वो शादी करने वाले थे. फिर डील होते वक्त उन्होंने अपने पुराने रिलेशन की बात क्यों छुपाई? देखिए, सबसे पहली बात, काम्या ने मुझे प्रिंस के साथ डील करने के लिए नहीं कहा.
इनफैक्ट मैंने खुद उसे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया। और दूसरी बात, कामया डील हो जाने के बाद भी ये बात मुझसे छिपा सकती थी, पर कामया ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कामया के दिल में चोर नहीं था। चोर था, कामया प्रिंस से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि जब कामया का प्रिंस से रिश्ता टूटा था तो चोट प्रिंस के नहीं कामया के अहम को लगी थी। अब मैं कामया एक गुस्सैल और बददिमाग लड़की है, इस बात को प्रूव करने के लिए कि वो धमकी देकर लंदन गई थी, मैं रेखा जी को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। रेखा जी, जब प्रिंस ने कामया के साथ रिश्ता तोड़कर आपकी बहू, आपकी विधवा बहू के साथ शादी करने का फैसला किया था, तब क्या कामया आपके घर आई थी? जी हाँ, आई थी, और अपनी बदतमीजी पर उसने मेरे हाथों से थप्पड़ भी खाया था। थैंक यू सुरेखा जी, योर विटनेस। आपकी बहू और प्रिंस के बीच नाजायज संबंधों के बारे में कामया ने आपको बताया था? इसलिए तो थप्पड़ खाया था। मैडम, ये जानते हुए कि कामया प्रिंस की मंगेतर है, फिर भी आपने अपनी बहू को, प्रिंस को अपने जाल में फंसाने के लिए उकसाया। लेकिन मैडम, कामया के साथ उसका रिश्ता जायज था और रानी के साथ नाजायज। लेकिन इस बात पर गौर कीजिए कि आज राज की पत्नी हमारी रानी ही है, और ये बात मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि रानी राज के ही बच्चे की मां बनने वाली है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की खबर है। हमारी रानी में जरूर कोई बात थी जो शायद कामया में नहीं है, तभी तो राज ने अपनी सगाई तोड़ दी थी। वो सगाई टूटी क्योंकि रानी के गलत संबंध। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मिस्टर डबराल प्रिंस और उतनी पत्नी के आपस के संबंधों को बार बार उछालकर क्या प्रूव करना चाह रहे हैं। यही कि प्रिंस अपनी शादी से नाखुश था और इसलिए उसने कामया को मॉलेस्ट किया, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। ओह, इससे पहले तो आपने कहा था कि प्रिंस के अहम पर चोट लगी थी, इसलिए उसने कामया को मोलेस्ट किया था। फिर अचानक, आई थिंक मिस्टर डबराल, यू शुड गेट योर फैक्ट्स राइट फर्स्ट। योर ऑनर, मैं मिस्टर डबराल को अपनी क्लाइंट की पत्नी पर छिछोरे इल्जाम लगाने नहीं दूंगा। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। जज साहब, ये चाहे जितने भी इल्जाम चाहे मेरे बच्चों पर लगा ले, लेकिन मैं अपने राज और रानी को कभी भी गुनहगार नहीं समझूंगी। जज साहब, सच बात तो ये है कि कामया एक बहुत ही घमंडी, बदतमीज और बददिमाग लड़की है, इसीलिए वो प्रिंस पर इस तरह का इल्जाम लगा रही है जो झूठे हैं। जज साहब, जब राज ये डील करके वापस घर आया तो राज बहुत परेशान था। जिस कंपनी के साथ हमने डील साइन की है उस कंपनी की एमडी कामया है, और उसने मुझसे यहाँ तक कहा कि माँ, ये मैं डील कैंसिल कर दूंगा क्योंकि इसमें कामया शामिल है। अगर मुझे पता होता कि कामया इस डील में इन्वॉल्व है तो मैं इस डील में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता हूँ। फिर जब मैंने उससे समझाया तो उसने कहा कि ठीक है माँ, मैं ये डील करूँगा। ये लड़का जज साहब, इसने हमारे बेटे के मरने के बाद
हमें कभी अपने बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। इसी प्रिंस ने मेरे बड़े बेटे को अपनी किडनी देकर उसकी जान बचाई। तो आप खुद सोचिए कि ये नेक बच्चा ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। मेरा राज बेगुनाह है, उस पर लगाए हुए सारे इल्जाम बेबुनियाद है। Your Honor, डिफेंस काउंसिल खामखा इस केस को भावनाओं में उलझाना चाहते, जबकि बात बिल्कुल सीधी और साफ। मेडिकल रिपोर्ट्स भी ये बताते हैं कि कामिया जी के शरीर पर जो निशान थे वो सारे प्रिंस की वहशीपन की वजह से। Your Honor, इज्जत औरत का गहना होती है, और कोई भी औरत वो बात तब तक नहीं कहेगी जब तक वो बात हद पार न कर जाए। मेरी क्लाइंट मिसेस काम्या पराशर आज के जमाने की पढ़ी लिखी औरत है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति रखती है, और इसीलिए मेरी इस ऑनरेबल कोर्ट से ये रिक्वेस्ट है कि प्रिंस जैसे दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मिस्टर डबराल, आप या तो केस लड़ना भूल गए हैं या आप जानते हैं कि आपका केस बहुत वीक है। केस को खत्म होने दीजिए, फिर जज साहब खुद फैसला कर लेंगे किसे सजा देनी है और किसे सजा नहीं देनी है। Your Honor, मैं मिस्टर जेडी थापड़ को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। जब काम्या इंडिया से लंदन वापस लौटी तो उसने हमें प्रिंस के खिलाफ बहुत भड़काया था, रानी के खिलाफ भी भड़काया था, लेकिन जब हमने इंडिया कर देखा तो बात कुछ और ही। ओह, आपका मतलब है कि काम्या बदले की आग में जल रही। जी बिल्कुल, बात कुछ ऐसी थी। No questions, Your Honor. वैसे भी Your Honor, मैं कोई भी बेतुके सवाल पूछकर इस कोर्ट का वक्त जाया नहीं करना चाहता। डिफेंस काउंसिल भले ही प्रिंस जेथापर के प्यार भरे किस्से सुनाए, लेकिन इससे केस की सच्चाई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और सच्चाई यह है कि प्रिंस जेथापर ने काम्या की इज्जत लूटने की कोशिश की। आज की पूरी जिरह में डिफेंस काउंसिल एक भी ऐसा गवाह, एक भी ऐसी दलील पेश नहीं कर पाए जो यह साबित करे कि प्रिंस जेथापर बेकसूर। जबकि हमारे गवाह, हमारे मेडिकल रिपोर्ट्स ये प्रूफ करते हैं कि प्रिंस ने काम्या जी को मॉलिस करने की कोशिश की। एंड दैट इज व्हाई योर ऑनर, इस एस्टीम कोर्ट से मेरी ये दरख्वास्त है कि इन सारी फैक्ट्स को, सारी बातों को मद्देनजर रखकर अपना फैसला सुनाएं।